खुल के धमकी मिला था इलेक्शन के दिन कि बहुत लालटेन का प्रचार कर रहे हो और इलेक्शन खत्म होते दिखा देंगे, और इलेक्शन था ही 2 बजे मरवा भी दी। मैडम मंत्री पे आरोप लगा रहे हैं, उनका उनके दामन पे कीचड़ उछाला जा रहा है, उनपे दाग लगाया जा रहा है, कैसे वो करेंगे? कोई अपना शर्ट पे थोड़े ना दाग लगाएंगे। और नीतीश कुमार जी सिर्फ हमको तो लगता है आप बोलते ही हैं, करते कुछ नहीं है, क्योंकि उनसे हमको अब हमको लगता है उनसे बिहार भी नहीं संभल रहा है। और लेसी सिंह को तत्कालिक जो है उनकी मंत्री सीट पे हटाया जाए, वो जांच करके दिखा दे, तब हम मान लेंगे कि वो नहीं फंसाना चाहती है, नहीं बचाना चाहती है उनकी सरकार। बहुत डर लगता है, हम लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि सरकार उनकी है, सत्ता उनकी है, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। हम लोग साल में एक ही साल में 2 हत्याएं हो जा रही है, और दोनों में साजिशकर्ता में लेसी सिंह का नाम है, लेकिन उनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, और गवाह को मार दिया जाता है, जिसके इसमें आप अगर गवाह बन रहे हैं तो आपको मार दिया जाता है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो डर ही सकते हैं ना। वो डायरेक्ट बोल रहे हैं आपकी जो गवाह में नाम है उनको मारेंगे, आपका वंश खत्म करेंगे। वंश खत्म करने की बात कही जा रही है, आपका एक छोटा सा बच्चा है, मासूम बच्चा है। जी जी, 3 साल का मेरा बेटा है, वो वंश खत्म करेंगे, तो सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है। जिस महिला सशक्तिकरण का गुणगान नीतीश कुमार जी करते हैं, उन्हीं के राज्य में 3 महिलाएं जो हैं पिछले कई महीनों से अपने न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन कहीं भी न्याय मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ पूर्णिया का रिंटू सिंह हत्याकांड मामला। मामले में जो है सीधे सीधे बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने ही रिंटू सिंह की हत्या करवाई है। लेसी सिंह के भतीजा अठिया जो है वो खुलिया अभी भी घूम रहा है, सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि अठिया ने ही रिंटू सिंह की हत्या की है, लेकिन फिर भी बिहार सरकार का प्रशासन जो है वो मौन धारण किए हुए हैं। एक बार फिर से रिंटू सिंह की पत्नी और उनकी बहन जो है वो आरजेडी कार्यालय में आई हुई है अपने न्याय को लेकर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए, तमाम आरजेडी के नेताओं से मुलाकात करने के लिए, गुहार लगाने के लिए कि उनको जल्द से जल्द न्याय मिले, लेकिन अभी भी इनको न्याय मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सीधे सीधे बात करेंगे, रिंटू सिंह की पत्नी हमारे साथ है, उनसे ही पहले बात करेंगे। देखिए मैम, आप लोग पहले भी आ चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात कर चुके हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया आपके लिए, लेकिन फिर भी जो मामला कुछ गाड़ी से आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा है? जी नहीं, कुछ नहीं बढ़ा है, कुछ बढ़ेगा भी नहीं, जब तक नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे तो कुछ बढ़ेगा भी नहीं। मतलब आपको ये लग रहा है कि नीतीश कुमार ये नहीं चाह रहे हैं कि गाड़ी आगे बढ़े? जी क्यों, क्यों ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? अगर ऐसा ना, उनका मंत्री पे हम आरोप लगा रहे हैं तो कैसे करेगी करेंगे कैसे? वो मंत्री पे आरोप लगा रहे हैं, उनका उनके दामन पे कीचड़ उछाला जा रहा है, उनपे दाग लगाया जा रहा है, कैसे वो करेंगे? कोई अपना शर्ट पे थोड़े ना दाग लगाएंगे। जिस महिला सशक्तिकरण का गुणगान नीतीश कुमार जी करते हैं, वो कहते हैं कि महिलाओं को हम बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन वही महिला जो है पिछले कई महीनों से न्याय के लिए ददर की ठोकरें खा रहे हैं, तो फिर कहाँ जाता है नीतीश कुमार का महिला सशक्तिकरण? वो वही ना जाने, वो नहीं बस अपनी सरकार नहीं बचाती है, नहीं फंसाती है, सिर्फ मरवा रही है, साल में 2 आरोप लगा है, उन पे क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है? हम भी तो महिला है, जैसे महिला को बढ़ावा दे रहे हैं तो हम भी महिला हैं, और 1 महीना से दौड़ रहे हैं, तो उनका फर्ज बनता है कि CBI जांच की मांग जो कर रहे हैं वो एक्सेप्ट करे, और लेसी सिंह को तत्कालिक जो है उनकी मंत्री सीट पे हटाया जाए, वो जांच करके दिखा दे, तब हम मान लेंगे कि वो नहीं फंसाना चाहती है, नहीं बचाना चाहती है उनकी सरकार। CBI जांच की आप मांग कर रहे हैं, इससे पहले कहीं आप पूर्णिया के SP से आपकी बातचीत हुई हो? क्योंकि आप ये बोल रहे हैं कि उनका लेसी सिंह का भतीजा अठिया जो है अभी भी खुलेआम घूम रहा है, तो SP साहब इसमें क्या कर रहे हैं? SP साहब तो मेरा पहले कॉल ही नहीं रिसीव कर रहे हैं। एक दिन हम कॉल किए थे कि उनके घर पे कुर्की उनका वारंट छपवाया गया था, इश्तियार दिया गया था, तो उनका सामान सब निकल रहा था, तो हम SP साहब को कॉल किए, देखिए ऐसे ऐसे हो रहा है, उनका सामान क्यों निकाला जा रहा है? तो उनके बाद तो मेरा कॉल अब रिसीव ही नहीं कर रहे, 2-3 दिन पहले भी कॉल किए तो मेरा कॉल SP साहब रिसीव नहीं कर रहे हैं। रिसीव नहीं कर रहे हैं? जी नहीं। धमकी भी मिल रही है आप बता रहे हैं कि धमकी दिया जा रहा है? हाँ, धमकी तो खुलेआम दे रहे हैं। किस तरह की धमकी दी जा रही है? वो डायरेक्ट बोल रहे हैं आपकी जो गवाह में नाम है उनको मारेंगे, आपका वंश खत्म करेंगे। वंश खत्म करने की बात कही जा रही है, आपका एक छोटा सा बच्चा है, मासूम बच्चा है। जी जी, 3 साल का मेरा बेटा है, वो वंश खत्म करेंगे, तो सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है। देखिए, 3 साल का एक मासूम बच्चा है और उसको जो है लगातार लेसी सिंह के भतीजे की तरफ से खत्म करने की बात कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा वंश जो है आपका खत्म कर दिया जाएगा, मैं जेल तो जाऊंगा ही, लेकिन जेल जाने से पहले जो है आपका पूरे वंश को खत्म कर दिया जाएगा। इतना बड़ा आरोप जो है सीधे सीधे लेसी सिंह के भतीजे पर लग रहा है, लेकिन फिर भी पूर्णिया का प्रशासन जो है वो मौन धारण किए हुआ है, चैन की नींद सो रही है। उनकी बहन हमारे साथ है,
बातचीत करेंगे। मैम देखिए लगातार धमकियां मिल रही है और अभी भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। लगता है आप लोग पटना आए हुए थे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से आपने मुलाकात किया, अब आप वापस जा रहे हैं, कहीं ना कहीं डर लगता है पूर्णिया वापस जाने में? बहुत डर लगता है, हम लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि सरकार उनकी है, सत्ता उनकी है, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। हम लोग साल में एक ही साल में दो हत्याएं हो जा रही है और दोनों में साजिशकर्ता में लेसी सिंह का नाम है, लेकिन उनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और गवाह को मार दिया जाता है। जिसके इसमें आप अगर गवाह बन रहे हैं तो आपको मार दिया जाता है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो डर ही सकते हैं ना। रिंटू सिंह की गवाही था, मेरे देवर की हत्या हुई विधानसभा के चुनाव के दिन, उसमें रिंटू सिंह गवाही थे, तो उनकी हत्या हो जाती है। अब रिंटू सिंह केस में जो भी गवाही बने उनकी हत्या करने का वो कसम खा रहा है। कौन है रिंटू सिंह का गवाह, कौन है? हमारे देवर हैं, हमारे एक उनका नाम सोनू सिंह है। सोनू सिंह है। आप ये बोल रहे हैं कि आपके घर में दो दो हत्याएं हुई है और दोनों का आरोप जो है सीधे सीधे लेसी सिंह के भतीजे पर लग रहा है, लेकिन फिर भी प्रशासन जो है वो कुछ भी करने से मना कर रही है। दोनों आरोप लेसी सिंह के भतीजे पे लग नहीं रहा है, उन्होंने सच में हत्याएं की हैं और साजिशकर्ता में मैडम का ही नाम हमने दिया भी है, पहले भी दिया था और इस बार भी दिया है, लेकिन उनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं हो रही है अभी तक, क्योंकि सरकार उनकी है, सत्ता उनकी है, और कहते हैं ना फंसाते नहीं है, बचाते नहीं है, तो यहाँ तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सरकार तो उनको बचा ही रही है, फंसा तो नहीं रही है, बचा ही रही है। वापस जा रहे हैं पूर्णिया, कहीं ना कहीं डर का माहौल है घर में, धमकियां लगातार मिल रही है, बच्चे को सुरक्षित रख पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। जी डर का माहौल है, हम लोग सहमे हुए हैं और बच्चे को भी सुरक्षित रख पाना मुश्किल है, घर के हर एक सदस्य के जान पे खतरा है। कब तक वो लड़का बाहर इस तरह घूमते रहेगा और किसको अगला निशाना बनाएगा कहना मुश्किल है। अगली बारी किसकी है ये मुश्किल है कहना, लेकिन अगली बारी किसकी है ये कहना मुश्किल है। और लगातार जब तक अटिया ऐसे ही खुलियाम घूमता रहेगा तब तक इनमें जो है वो डर का माहौल बना रहेगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि लालटेन के लिए काम किया इसलिए मरवा दिया, आपको भी लगता है कि लालटेन के लिए काम किया इसलिए मरवा दिया गया? एकदम खुल के धमकी मिला था इलेक्शन के दिन कि बहुत लालटेन का प्रचार कर रहे हो और इलेक्शन खत्म होते दिखा देंगे, और इलेक्शन था ही 2 बजे मरवा भी दी मैडम, और उसमें मैडम का जो कागज वागज होता है सारा कुछ मिला है, पर पुलिस कुछ नहीं करेगी, वहाँ की प्रशासन कुछ करेगी ही नहीं, क्योंकि मैडम मंत्री हैं। मंत्री है मैडम, लेकिन जिस महिला सशक्तिकरण का गुणगान नीतीश कुमार जी करते हैं, कहते हैं कि हम महिलाओं का उत्थान करना चाहते हैं, उन्हीं के राज्य में महिलाएं जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन एक महिला को बचाने के लिए दूसरे महिला को फंसा देना ये कहां तक सही है? बहुत गलत है, लेकिन क्या करें, जब सरकार ही बचा रही है तो करे क्या, और नीतीश कुमार जी सिर्फ हमको तो लगता है बोलते ही है, करते कुछ नहीं है, क्योंकि उनसे हमको अब हमको लगता है उनसे बिहार भी नहीं संभल रहा है, और ऐसे में आए दिन क्राइम होता है। हम लोग पटना आए, इतना गुहार लगाए, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। मान लीजिए हमसे जो छोटा भी है, जो हमसे भी आने में सक्षम नहीं है, उसका क्या हो रहा होगा, आप लोग ही सोच के देखिए। पिछले 4 दिनों से ये लोग जो है पटना में ठहरे हुए थे, जनता दरबार जाने की भी आपने कोशिश की, जनता दरबार आप लोग पहुँच पाए या नहीं? अभी तक हम लोग जनता दरबार नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन हम लोग जनता दरबार जाने का पूर्ण तरह से कोशिश करेंगे जहां तक हम लोग से होगा। नहीं नहीं हम लोग अभी आप नहीं किए हैं, ऑनलाइन नहीं किए हैं, वेरिफिकेशन होगा पूर्णिया से, तो हम लोग वो भी करेंगे, आवेदन करेंगे और सीधे तौर पर नीतीश कुमार से भी गुहार लगाएंगे कि रिंटू सिंह हत्याकांड में जो भी आरोपी है उसकी तक जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए, और तमाम आरोप जो नीतीश सरकार के मंत्री लेसी सिंह पर लग रहे हैं उनको भी तुरंत जो है वो पद से हटा दिया जाए। तमाम मांगे जो हैं वो रिंटू सिंह के परिवार कर रहा है, और साफ तौर पर ये उनका कहना है कि CBI जांच मामले की जानी चाहिए, और जहां तक बात की जाए तो लगातार 3 महिलाएं जो हैं वो न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 4 दिन से ये लोग पटना में ठहरे हुए थे, लेकिन फिर भी इनका न्याय जो है इनको मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।